मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए जॉय ऑफ रिम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। Hey everyone, my name is Rimi. Welcome to Joy of Rims. आज मैं आपके लिए एक फन एक्टिविटी लेकर आई हूँ जो कि बड़े और बच्चों के लिए दोनों के लिए ही काफी एंटरटेनिंग होने वाला है ये एक्टिविटी। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर एनिमल का लिस्ट है, अगर उसी एनिमल को आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे इमेज आ जाएगी उस एनिमल की। उसमें व्यू इन 3D का ऑप्शन रहता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो 3D इमेजेस आपको उस एनिमल की दिखेगी और आप उसके साउंड भी सुन सकते हैं। और प्लस इसमें एडिशनल फीचर्स ये है कि आप उसी के साथ अपने बच्चे की या किसी की भी आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है ये गूगल का। इसे यूज करके आपका मूड फ्रेश हो सकता है और इसके साथ साथ आप अपने आप को और अपने बच्चे को भी एंटरटेन कर सकते हैं इसे यूज करके। तो मुझे लगा आप लोग के साथ ये फीचर शेयर करना चाहिए मुझे। एक्चुअली क्या था कि कल मैंने FB पे अपनी डॉटर की पिक्चर्स अपलोड की थी, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स उसके इन 3D एनिमल्स के साथ पिक्चर्स आई थी। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे से क्वेश्चन किए कि ये टॉयज के साथ क्या रहा, कि कैसे पिक्चर्स है, कौन से टॉयज है, इतने बड़े कैसे दिख रहे हैं, कौन सा ये एडिटिंग ऐप है, इसे कैसे यूज करना है। तो इतने सारे क्वेश्चन थे मेरे पास कि मुझे लगा कि मुझे इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो इस फीचर को कैसे यूज करना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा और मैं लिस्ट एनिमल्स की दे दूंगी। अभी मैं लायन को टाइप कर रही हूँ, तो लायन को जैसे ही आप टाइप करेंगे वैसे ही लायन आपको दिखने लगेगा। और यहाँ पे व्यू इन 3D का देखिए ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा शेर आ जाता है 3D में। तो इसको आप जूम करके भी आप देख सकते हैं और आप इसको चारों तरफ ऐसे रोटेट करके भी आप देख सकते हैं इसे। और कुछ कुछ सेकंड्स में लायन अपनी आवाज भी निकालेगा। तो अब मैं यहाँ पे वुल्फ टाइप करूंगी और ये वुल्फ आ गया। इसी तरह आप बच्चों को दिखा के ऐसे सिखा सकते हैं, ये वुल्फ है और ये ऐसा साउंड करता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फोटो क्लिक कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ टाइगर और अब व्यू इन 3D में जाएंगे और व्यू इन 3D में हम गए और ये हमारा टाइगर आ गया। और यहाँ पे देखिए लिखा है व्यू इन योर स्पेस। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आप जिस भी जगह रहेंगे उसी जगह आपका 3D टाइगर आ जाएगा। और ये रेक्टेंगुलर बेस आपको दिख रहा है, उसी के ही बेस की हेल्प से आपको टाइगर को बड़ा करना है, छोटा करना है और रोटेट भी आप कर सकते हैं। और इसी टाइगर को आपको अपने पर्टिकुलर इमेज के हिसाब से आपको जैसे भी पिक्चर क्लिक करनी है, बड़ी छोटी कैसे भी करके, तो वैसे ही आपको पिक्चर को उसी हिसाब से आपको फिट करना है और आपको पिक्चर अच्छी सी क्लिक कर लेनी है। तो अब मैं टाइगर को बड़ा करके नीचे स्क्रॉल कर रही, तो ये देखिए मैं इस बेस को ही बस मैंने टच किया है और ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो ऐसे भी आप रैंडम पिक्चर्स सारी क्लिक कर सकते हैं। तो अब मैं सर्च करूँगी बियर और ये आ गया बियर और व्यू इन 3D में गए हम और ये आ गया व्यू इन योर स्पेस में गए और ये बस ये आ गया हमारा बियर। और बस इसी को फिर हम एडजस्ट करेंगे, बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे और ये देखिए कितना बड़ा हो गया। इस तरीके से भी आप ऐसे पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और ये देखिए छोटा हो गया हमारा। मगर आप अभी बियर देख रहे होंगे तो थोड़ा आपको ट्रांसपेरेंट सा लग रहा होगा। तो यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन है राइट साइड में, उसके लेफ्ट साइड में आप देखिए आपको राउंड सा बटन दिया होगा, उसे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट ब्लेंडिंग का ऑप्शन आएगा। तो ऑब्जेक्ट ब्लेंडिंग को अगर आप ऑफ कर देंगे तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो चली जाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट ब्लेंडिंग हम ऑन कर देंगे तो ट्रांसपेरेंट सा हमको दिखने लगेगा। Thank you.
गाइस कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो में, टिल देन ओके बाय बाय।